लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई तुर्बे के स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी के खिलाफ लॉकडाउन का उल्लंघन कर जन्मदिन का जश्न मनाने का संगीन आरोप लगा है। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अपने जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों को जमा किया और आतिशबाजी की। मीडिया में तमाम विरोधी खबरें आने के बाद आज सुरेश कुलकर्णी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हमने कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं किया, न ही कोई आतिशबाजी कराई। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय नेता उन्हें मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश में है, लेकिन उनकी यह राजनीतिक साजिश कभी सफल नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई तुर्बे स्टोर्स के यही वो शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन का जश्न मनाया। आरोप यह भी है कि 25 मई की शाम पुलिस की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा की और आतिशबाजी भी कराई। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि सुरेश कुलकर्णी ने इन आरोपों को निराधार बताया, सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन ही नहीं किया, ना तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाई, ना ही आतिशबाजी की गई। सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि यह सब विरोधी नेताओं की राजनीतिक साजिश है जो मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश में है। सुरेश कुलकर्णी फटाके बजा रहे, आतिशबाजी कर रहे, वहाँ पर केक काट रहे, मेरा कोई 10 कार्यकर्ते दिख रहे, अगर मैं दिख रहे तो उसमें चलो मैं मान सकता कि सुरेश कुलकर्णी ये गलत कर रहे हैं। उस जगह पे मैं किधर दिख रहा ही नहीं, अगर कोई लंबे से शूटिंग करके फटाके बजे कोई तमाशा कर रहा है कि यहाँ पर फटाके उड़ा के केक काट रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ बातमी आया है, ये सब गलत है। वैसा कुछ ऐसा बर्थडे साजरा नहीं किया, हमने बर्थडे किया है, हमारा ऑफिस पे किया है, सभी कार्यकर्ता के जाके अपने अपने मोहल्ले में जाके किया है, 4-5 जन को लेके हम लोग ये कार्यकर किया ले। लेकिन ये आताशी जो फटाका उड़ाना, जो आताशीबाजी करना, ये हमने किया नहीं। उस जगह पे एक गुप्ता समाज के वहाँ पर कुछ की शादी हो रहा था, उस जगह पे हम लोग नहीं थे। आप भी देखे अभी चैनल में सब सारे में, उसमें है किधर दिख रहे सुरेश कुलकर्णी किसका फोटो है। अगर किधर से ऑडिट करके अगर फोटो दिख के अगर तुम लोग ये पिक्चर बना रहे तो ये गलत है। बर्थडे पर आतिशबाजी कराए जाने की खबरों पर भी सुरेश कुलकर्णी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय के पीछे एक उत्तर भारतीय परिवार में शादी थी जिसके लिए पटाखे फोड़े गए, लेकिन उसका उनके बर्थडे सेलिब्रेशन या भीड़ जमा करने से कोई लेना देना नहीं है। सुरेश कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर फैल रहे वीडियो पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि जिस वीडियो के जरिए उन पर लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें ना तो मैं दिख रहा हूँ, ना ही मेरे कार्यकर्ता हैं, फिर इसके जरिए लॉकडाउन का उल्लंघन कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें कलंकित करना चाहते हैं जल्द ही उनका मुँह भी काला होकर रहेगा। 30 बजे कैसा हो गया, वहाँ पर क्या चल रहा था, इसके बारे में मेरे को पता नहीं। हमारा बर्थडे था, हम लोग बर्थडे लेके मना रहे थे सब कार्यकर्ता पे जाके, लेकिन 28 बजे हो गया। मैंने भी सवेरे सुना कि वहाँ पर गुप्ता समाज की शादी हो रहा था, उन्होंने फटाके बजाया, ये ऐसा मेरे को ये मालूम हो गया। आप भी जाके वहाँ पर पता कर सकते हैं जो कुछ भी हो रहा था। वैसा उस जगह पर मैं कोई फिल्म में ऐसा दिखा नहीं कि उस जगह पे सुरेश कुलकर्णी को कोई कार्यकर्ता है उस जगह पे, ऐसा कुछ नहीं हो गया। और वो फोटो एडिट करके उन्होंने ये पिक्चर बनाया और मीडिया में दिया ले। षड्यंत्र तो रचे हुए हम के जो कुछ भी नेता होएगा वो तो गए टाइम में मीडिया वाले को भी भेज देते, हमारे पर बहुत बड़ा अत्याचार षड्यंत्र कि इनका पर अमुक अमुक ये गुना लगाओ, इनको कलम लगाओ, एट्रोसिटी करो, ऐसा ये सब सारे खेल भी हो चुका है। इस जगह पे कल का भी यही चर्चा हो गया कि कुछ लोग से कुछ पैसा दे के उनको जाके बता के ऐसा ऐसा करो, आप लोग ऐसे कोई फिल्म बनाए इसमें, और उसके जगह पे हमारा नाम कैसा खराब होएगा और हमारा अभी इलेक्शन आए ले इनको कैसा बदनाम करेगा, ऐसा षड्यंत्र रच रहे ले। और जो भी कर रहे हैं वो आदमी तो उसका तो मुंह काला होगा ये समझाने के इतने पास। इस बात की पुष्टि स्थानीय उत्तर भारतीय परिवार ने भी की जिनके घर पर शादी कार्यक्रम था। परिजनों ने बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कुछ रिश्तेदारों ने पटाखे जरूर फोड़े, लेकिन उसका सुरेश कुलकर्णी से
कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे में आरोप लगाना भी गलत है। ये सब गलत है, ये बर्थडे वगैरह इधर कुछ भी नहीं है। हमारा घर में शादी था हमारा, और हमारे बच्चे लोग ने जो फोड़ा होगा शादी में थोड़ा बहुत, वो बर्थडे से कोई लेना देना इनका मतलब नहीं कुछ भी। हमारे घर में शादी था, हम लोग अपना वो हुआ है, बाकी कुछ ऐसा बर्थडे वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है इधर पे, कोई लेना देना ही नहीं बर्थडे से हमारा। अब जो बोल रहे होंगे वो गलत है भाई, वो सब मेरे भतीजे का शादी था, आप देख सकते हैं इधर सब शादी वगैरह हुआ है हमारा, बाकी इधर बर्थडे वगैरह कुछ हुआ ही नहीं इधर पे। लोग क्या बोल रहे हैं हमको भी ये सब मालूम नहीं, अभी ये मालूम पड़ रहा है, सब न्यूज़ वगैरह में आ रहा है सब करके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।